नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। माँ कहती थी, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बड़ा होकर आईएएस अफसर बन, डॉक्टर इंजीनियर बन। पर नहीं, बेटे को तो बांसुरी बजानी है, गैया चरानी है, राजनीति चमकानी है, राज्य में अपना भौकाल दिखाना है और फालतू की बकैती भी करनी है। जी हाँ, जिस तरह देश में लोग राहुल गांधी के ज्ञान से परेशान हैं, उसी तरह बिहार में तेज प्रताप यादव के, आखिर वो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो रहे हैं, इसलिए उनके ज्ञान पर आपको शक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आपको ये पत्र देखना चाहिए जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे देखने के बाद आप ये कह देंगे कि काला अक्षर भैंस बराबर। जी हाँ, चार वाक्य के इस पत्र में, मात्र चार वाक्य के इस पत्र में पांच गलतियां हैं और बड़ी गलतियां हैं। और इस हैंडराइटिंग को देखने के बाद आपको अपना बचपना याद आ जाएगा, जब आपने पहली बार कलम पकड़ी थी। खैर, इस पत्र में सबसे खास बात यह है कि तेज प्रताप यादव ने अपने पूजनीय पिता श्री लालू प्रसाद यादव का नाम भी गलत लिखा है। अब इससे ज़्यादा ज्ञान की बात और क्या होगी। और खास बात यह है कि ये पत्र किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के नाम पर नहीं है, ये पत्र राष्ट्रपति के नाम पर लिखा गया है। इससे ज़्यादा बेशर्मी वाली बात और क्या होगी तेज प्रताप यादव के लिए कि चार लाइन का पत्र लिखा और उसमें भी पाँच गलतियाँ। सोचिए, किसी बच्चे ने स्कूल में गलती की और ऐसी गलती कि बात सीधे हेडमास्टर तक नहीं, शिक्षा मंत्री तक पहुंच गई, और फिर ये कोई कहे कि वो बच्चा आगे चलकर इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा और देश को चलाएगा। हम किसी की काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहे, पर आपको यह पत्र देखना चाहिए और समझना चाहिए कि बिहार का पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौन था और उसकी कमान किसके हाथों में थी। ये पत्र देखिए, पहले तो उसके हैंडराइटिंग को देखिए। अपना बचपन याद आ गया होगा, या फिर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसकी रफ कॉपी देख लीजिए, लगभग सेम ही लगेगी। और ये पत्र राष्ट्रपति के नाम पर है। अब इस पत्र को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसका शीर्षक है आज़ादी पत्र। अब इस चार लाइन के पत्र में गलतियां देखिए। तेज प्रताप ने अपने पत्र में आदरणीय श्री लालू प्रसाद की जगह आपरणीय श्री लालू प्रसाद जी लिख दिया है, जिसमें उनके पिता के नाम यानी लालू की स्पेलिंग भी गलत है। लालू में बड़े ऊ की मात्रा आती है और इसमें छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद उन्होंने मसीहा शब्द गलत लिखा है, मसीहा में बड़े की मात्रा होती है और इसमें छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। आगे चलकर मूल्य में भी ऊ की मात्रा गलत है। चलिए, ये तो मात्रा की बात थी, आगे तो उन्होंने और बड़ा बवंडर कर दिया। गरीबों को गरीबों और वंचित को वंचित लिखा गया है। फिर ये कहते हैं कि गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे और वंचितों को उनका हक दिलाएंगे। भाई वाह, कमाल की बात है। वैसे आपको बता दें कि लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने अपने पिता की रिहाई के लिए राष्ट्रपति को ये चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद अब वो मजाक का पात्र बन चुके हैं। तेज प्रताप ने अपने पिता के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा है कि उन्हें जल्द रिहा किया जाए। तेज प्रताप यादव ने सजा माफी के लिए सरकार से गुहार लगाई है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है, उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है, जिसके बाद लालू यादव की रिहाई की मांग भी उठ रही है। वैसे आप लोगों को यह तो मालूम ही होगा कि बिहार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव 11वीं तक पढ़े हैं और 12वीं में फेल होने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। और इस पत्र से आपको ये पता चल ही गया होगा कि साक्षरता कितना जरूरी है। अब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तेज प्रताप यादव की चिट्ठी पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।